कि जो हरा रंग होता है वो हमारी आंखों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। तो जनाब ये भी सिंध हुकूमत की ये बड़ी हमारे लिए एक बड़ा तोहफा है सिंध हुकूमत का कि उसने हमारे लिए ये काली काली हरी हरी काई छोड़ दी है। जनाब जब आप हरा कलर देखते हैं तो आपके दिमाग को आपकी आंखों को सुकून मिलता है, आप जहनी तौर पर फ्रेश हो जाते हैं। तो ये बड़ा एक तोहफा है सिंध हुकूमत के लिए, मैं आपको सलाम पेश करता हूँ सिंध हुकूमत। और आप देखते हैं कराची के अंदर आपको हरियाली नहीं मिलेगी, मगर इस जगह पर खास मलीर 15 वालों के लिए, काला बोर्ड वालों के लिए एक बड़ा तोहफा दिया गया है सिंध हुकूमत की जानिब से, और मैं बड़ा शुक्र अदा करता हूँ। तो ये है कराची की पहली खूबसूरती, यहाँ की ये हरी हरी ताज़ा ताज़ा खुशबू वाली हरियाली और उस तरफ वो खड्डा। आप चेक करें माशाल्लाह सुभान अल्लाह क्या खड्डा है। आप चेक करें पूरी बस जो है अपनी जगह से डगमगा गई है, हिल गई है। और ये भी बड़ा एहसान है सिंध हुकूमत का कराची वालों के लिए। यार आप चेक तो करें, आप खड्डे की गहराई चेक करें कि बाइक यहाँ पर आएगी और बाइक ऐसे स्लिप होगी, ऐसा रक्षा स्लिप होगा कि धड़म से सड़क पर जाके गिर जाएगा। अगर कोई खातून अपने बेटे के साथ अपने शौहर के साथ आ रही है और अल्लाह ना करे अगर उनका टायर यहाँ पर फंसता है, स्लिप होता है, तो ऐसा गिरेंगी, ऐसी उनकी उनको नानी याद आएगी कि मैं आपको बता नहीं सकता। अगर मैं आपको उस तरफ के मनाजिर दिखाऊँ तो इस तरफ आप चेक करें, ये भी मलीर हॉल का मेन रोड है, मेन यू टर्न है, और उसके साथ आप चेक करें, ये बड़ी मेहरबानी है सिंध हुकूमत की। अच्छा ये खड्डे ऐसे नहीं है, कराची में लोग गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा चलाते हैं, बहुत तेज़ चलाते हैं, अंदर तुन गाड़ियाँ चलाते हैं, तो इस वजह से ये खड्डे छोड़ दिए गए। इंजन्स आपके काम नहीं करते, कराची की जंप्स रवा नहीं है ताकि आपकी जंप आगे पीछे हो, हिले झूले, तो इस वजह से जनाब ये काम किया गया है। आपको दूसरी खूबसूरती दिखाते, आइए मेरे साथ। आप चेक करें क्या जबरदस्त काला चॉकलेटी पानी यहाँ पर जमा है, और आप देखिए किस तरह गाड़ी आ रही है, उड़ा दी छींटे, पूरी छींटे उड़ा दी इन भाई ने। और ट्रक को आप चेक करें, कचरे से लदा हुआ ट्रक जगमगा रहा है, डांस करता हुआ आ रहा है, गाड़ी आपकी रवा हो रही है, इंजन आपका रवा हो रहा है। और आप चेक करें फैमिली यहाँ से जा रही है, इनकी पूरी गाड़ी डगमगा रही है, गाड़ियों का सत्यानाश बिल्कुल नहीं हो रहा है, भले बाइक हो, मोटरसाइकिल हो, कार हो, बड़े बड़े ट्रक हो, किसी गाड़ी को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा है, हर बंदा तरीके से गाड़ी चला रहा है। वो देखे फैमिली जा रही है, आंटी के बुरखे पर, आंटी के कपड़ों पर छींटे आ रही है गंदे पानी की। ये और कौन कौन से तुम इल्ज़ाम लगाओगे सिंध हुकूमत पे, यार सिंध हुकूमत तुम्हारे लिए शानदार काम कर रही है। अब चेक करें गटर का पानी है वहां से, अच्छा ये खड्डे यहाँ से स्टार्ट नहीं हो रहे, ये खड्डे मलीर हॉल से लेके, मैं आपको ब्रिज दिखाऊं, जरा ब्रिज दिखाएं, ये पुल है मलीर हॉल का, वहां से ये गंदगी स्टार्ट होती है। ये पहला खड्डा ये यहाँ से स्टार्ट होके ये पूरा सीधा आपका जो है सऊदाबाद तक जा रहा है। यार और क्या करे सिंध हुकूमत तुम्हारे लिए, तुम लोग गाड़ियाँ स्लो नहीं चलाते, तुम लोग गाड़ियाँ हल्की नहीं चलाते, एम्बुलेंस हॉस्पिटल टाइम पर पहुँचती है यार, मरीज एम्बुलेंस के अंदर होता है, आधे घंटे का रास्ता यार, आधे घंटे का रास्ता सिर्फ 3 घंटे में हल हो जाता है यार।